का संचालन हमारे सहायक निर्वाचन अधिकारी करेंगे। मैं अब आगरा परिवार में आज के जिला के हमारे मित्र कुछ अपना विचार आज थोड़ा सा हम चाहेंगे कि थोड़ा शांति बना करके रखा जाए, पीछे के साथी को आवाज नहीं मिल पाएगा, बीच के लोग हल्ला नहीं करें। बुआ कौन है, लोग पीछे चल जाओ। आगे बढ़ के बोलिए। जनता दल पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्वी चंपारण बिहार प्रदेश से नियुक्त है PRO मेरे मित्र और साथी जन जन के नेता माननीय विधायक जितेंद्र यादव जी, ये PRO के रूप में हम सबों के जिला का प्रभारी पहले से भी बड़े तरीके से हम लोग के साथ भाई के रूप में काम करते आ रहे हैं फयाज साहब, मंचस्थ हमारे अभिभावक लक्ष्मी नारायण यादव जी, मंचस्थ अभिभावक हरिशंकर बाबू, माननीय विधायक जनजन के नेता बड़े भाई डॉक्टर समीम साहब, नौजवानों के धड़कन और खास करके ढाका में सहंसा के रूप में आज हमेशा काबिज होकर के सभी कार्यक्रम को तरीके से सफलीभूत करते हैं भाई फैसल रहमान साहब, हमारे बीच माननीय नेत्री नसीमा जी, मनोज यादव जी, और आज इनके चुनाव की चर्चा सब लोगों के दिल में ये लगा हुआ है कि जलसे के दुल्हा के रूप में कौन दिखेंगे, भाई सुरेश यादव जी जीतेंगे नहीं, जब से पता साहब आएगा तब अभी पहले निवर्तमान अध्यक्ष भाई सुरेश यादव, सुबोध यादव जी, रामुल हक साहब, और हमको लगता है कि अमरिंदर भाई हमारे मीडिया प्रभारी जावेद साहब, और नाम लिया जाए तो हमको लगता है कि सभी एक परिवार के लोग हैं और एक एक चेहरा हमको याद है, इसलिए इस सभागार में उपस्थित तमाम प्रदेश स्तर के खास करके हमारे बजरंगी चाचा छूट रहे थे जो हम सबों के अभिभावक हैं, और इस सभागार में उपस्थित प्रदेश स्तर के नेतागण, जिला स्तर के नेतागण, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत स्तर तक के नेतागण, और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित साथियों, आज के दिन हम तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज चुनाव का दिन, आज सुबह बिहार में चुनाव की स्थिति क्यों पैदा हुई लगभग सभी सारे साथी जानते हैं। आज डबर संखी और खास करके यह बीजेपी जो भारत जलाओ पार्टी जिसका नाम हम लोग रखते थे, आज उनके गोद में मल्टू राम भी घुस चुके हैं, तो उनके दल का क्या हालत हो रहा है सभी लोग देख रहे हैं। पहले शरद गुट, अब जो है चौधरी गुट, श्याम रजक गुट, पवन गुट, ये सारा गुट मल्टू राम से निकल करके लोग जो पलटने वाला नहीं है, छटपटाहट में था, धीरे धीरे निकल करके राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के से संपर्क साधना लोगों ने शुरू किया है। चुनाव का हालत पैदा हुआ है, जो हालात है बिहार के जन जन और गांव गांव में जितने भी वोटर्स हैं, आम आवाम है, सभी जाति बिरादरी के लोग पार्टी के विश्वास
रखने लगे हैं और भाजपा के धोखा और जेडी के धोखा से उठकर और देश के बदहाली आज के बदहाली को देखकर तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल में विश्वास करना शुरू कर दिया। लेकिन साथियों, संगठन का चुनाव का समय पूर्ण रहा था उस समय जिस समय साजिश के तहत केंद्र की सरकार चाहती है और उसके साथ नीतीश कुमार साहब चाहते हैं कि 19 का जो चुनाव हो उसी नाव पर हम भी हार कर जाए। क्या मोदी से गठजोड़ बना करके रखे हुए हैं और पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हम लोग प्रथम बार विधायक हुए कलेजे पर तो चलता है कि जो हम लोग 5 साल के लिए चुने गए थे 5 साल टर्म पूरा होने या पलटू राम और नरेंद्र मोदी नहीं पूरा होने देगा। 19 में चुनाव राज्य और देश का कराने का एक साथ कराने का निर्णय लोगों का हो गया है। यह देखते हुए जो हालात पैदा हुआ, संगठन के चुनाव का टाइम 19 में पूर्ण रहा है और चुनाव के समय में होता क्या है कि पद के लिए हम लोग पार्टी को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, आपस में हम लड़ करके संगठन को कमजोर करते हैं और एक तरफ जो वोटर मतदाता हम सब हमारे साथ जुटना चाहते हैं, हमारे अंदर जो गुटबाजी होती है उससे प्रभावित होकर के हमसे निराश होकर दूसरे जगह जुट जाते हैं। इसलिए हालात पैदा हुआ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी इस पर निर्णय लाए कि अब ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, मेरे लोग मतभेद में चले जाएंगे, मनभेद में चले जाएंगे तो हमारी जो चुनाव, हमारी जो आने वाली दिन है, जो चुनाव की स्थिति है वह प्रभावित होगा। यह देखते हुए या 19 में जो चुनाव होने वाला था वह आपका डेढ़ साल पहले यह चुनाव आज इस माह में सुनिश्चित हुआ। वजह यही है कि पुरानी उस साजिश करता और भाजपा के साजिश, जेडीयू की साजिश को नाकाम करने के लिए हमारी सेना आपस में लड़ करके अपने कर्तव्य से कर्तव्यहीनता के तरफ नहीं चली जाए, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय जो सेना नायक है वह उनके ऐलान के तहत यह चुनाव करा। इसलिए साथियों, बड़ी खुशी का बात है कि जो हालात पैदा हुआ पूर्वी चंपारण में भय अनेक प्रकार के मतभेद दिखते हैं, लेकिन समय पर हम सब एक साथ लालू जी के नेतृत्व में जितने भी चेहरा देख रहे हैं, जितने भी चेहरे आप देख रहे हैं, लोग तमाम लोगों में रहता है कि राष्ट्रीय जनता दल में बहुत मतभेद है। कहां मतभेद है, कहीं मतभेद दिख रहा है क्या? कहीं मतभेद नहीं है और विरोधियों को यही एकता और एक कर्मठता हम लोग को दिखा करके उनके हिम्मत को पस्त करना है। आज चुनाव का जो माहौल है, प्रत्येक बगहा में गए थे, बगहा 20 वर्षों में कभी चुनाव नहीं हुआ। जब चुनाव की स्थिति होती थी बड़ा बड़ा फटका चिराता था, एक दूसरे का विरोध करके, यहाँ तक कि हमारे एआरओ और डीआरओ भाग करके दूसरे जगह शरण लिए थे और कल कुमासी राम जी या राजेश राम जी बैठ के इंतजार ही कर रहा था कि कब मार होगा, कब विभाग के राजेंद्र राम जी आएंगे। हम जब उनसे मिलने गए तो वो कहे कि बड़ी आस्ते से आ रहे हैं, चुनाव हो गया क्या? हमने कहा इंतजार में थे कि हम भाग क्या रहे हैं, मेरे आने के बाद भागने की प्रक्रिया नहीं आएगी। और मैं 2 दिन प्रयास किया, 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा और पूरे जो हमारे वहां के नेता है, कार्यकर्ता है, उनमें इतनी खुशी का माहौल था कि आप लगता है कि बगहा निश्चित तौर पर पूर्वान्वित जगह बनेगा और वहां से हमारे विधायक और एमपी जीत करके आएंगे।